हेलो एवरीवन, क्लास 10th, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का हिस्ट्री का लेसन 5 चल रहा है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका से रिलेटेड मैं मेमोरेबल फैक्ट बताया, और मेमोरेबल फैक्ट के बाद में अति लघु बताया। आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आप लोग नोट करेंगे आज। तो देखिए, तो लघु उत्तरीय अर्थव्यवस्था में लघु उत्तरीय का है, ठीक है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। एक नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर क्यों हमले किए? प्रश्न है, नोट कीजिए इसका। उत्तर लिखिएगा, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर कारखानेदारी एवं मशीनों के व्यवहार का विरोध कर रहे थे, मशीनों के व्यवहार का विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का जब व्यवहार होने लगा, तब इस उद्योग में लगी महिलाओं ने इसका विरोध आरंभ किया। उन लोगों को अपना रोजगार छीनने की आशंका दिखाई पड़ने लगी, अतः ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ना आरंभ किया, ठीक है। उसके बाद में नोट कीजिएगा, लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी वैसे लोगों से जो रेशों के हिसाब से ऊन खरीदते थे, इस ऊन को वे सूत काटने वालों तक पहुंचाते थे। तैयार धागा वस्त्र बुनने वालों चुनट्टों के सहारे कपड़ा समेटने वालों और कपड़ा रंगने वालों के पास ले जाया जाता था। रंगा हुआ वस्त्र लंदन पहुंचता था, जहां उसकी फिनिशिंग होती थी, इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3, इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? उत्तर नोट कीजिए, इंग्लैंड ने यांत्रिक युग का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ, यानी इंग्लैंड में यांत्रिक युग का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। 1773 में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई। इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी तथा सूती की मांग बढ़ गई। 1765 में ब्लैकबर्न के जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई, जिससे सूत की कताई 8 गुना बढ़ गई। रिचर्ड और क्राइट ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे अब हाथ से सूत्र यानी सूत काटने का काम बंद हो गया। क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन बनाई। इन मशीनों के आधार पर इंग्लैंड में कम खर्च पर ही बारीक सूत अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे। इससे वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। इन संयंत्रों की सहायता से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला तथा 1820 तक इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया। यानी 1820 तक इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया। देखिए, प्रश्न 4 जो है ना, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 4 का थोड़ा सा लॉन्ग वे में जा रहा है, यानी क्लैंग सर्कल के व्यवहार का हाथ करघा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इसको रहने दीजिए। इस प्रश्न प्रश्न नंबर 4 छोड़ दिए हैं। प्रश्न 5, भारत में निरोधीकरण क्यों हुआ। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है, भारत इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश में से एक था।
सरकार ने भारत से कच्चे माल का आयात और इंग्लैंड के कारखानों में तैयार माल का भारत में निर्यात करने की नीति अपनाई। इसके लिए सुनियोजित रूप से भारतीय उद्योग, विशेषतः वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया गया, मैडम। 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियां, मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे, कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात का बढ़ावा देने इत्यादि के फल स्वरूप भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी, जिससे देशी उद्योग अपना महत्व खोने लगे। इससे भारतीय उद्योगों का निरोधीकरण हुआ। ओके, तो ये प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, इसमें हम लोग 4 छोड़े हैं। 4 का थोड़ा सा लॉन्ग वे में है, बट उसका मतलब उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आज से 10 साल से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। आपका 1 से लेकर 5 तक लघु उत्तरीय कम्प्लीट हो गया। दीर्घ उत्तरीय के बारे में आप लोगों को बता ही चुके हैं, दीर्घ उत्तरीय का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो अब कहने का मतलब, कोई प्रश्न छूटता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, रिप्लाई मैं कर दूंगा उसका। और नेक्स्ट हिस्ट्री लेसन 6 होगा। आप जो भी प्रश्न छूटा होगा कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या मैसेज मुझे पर्सनली कर देंगे बाय व्हाट्सएप। ओके, मैं उसका जवाब और उत्तर बता दूंगा आप लोगों को। और नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे इकोनॉमिक्स, मेरे विचार से लेसन 2 कर देना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स लेसन 2 चलेंगे अब। ओके, कल से फिर इकोनॉमिक्स चलेंगे, लेसन 2 कंप्लीट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे।